हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, स्मर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध है। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदमान स्कूल के बगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। JCB से करीब 20 फीट नीचे सुरंग में खुदाई करने के बाद गुफा में फंसे दो शवों को 14 घंटे बाद निकाला गया बाहर। साहिल का शिकार करने गए मिराल थाना क्षेत्र के टेटकुआ गांव स्थित पकवा बांध पहाड़ जंगल में गुफा में फंसे दो युवकों का शव करीब 14 घंटे के बाद JCB की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि मंगलवार अहले सुबह तीन युवकों की मौत साहिल का शिकार करने गए गुफा में दम घुटने से मौत हो गई थी। एक का शव घटना के बाद ही गुफा से बाहर निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गुफा में फंसे दो शवों को पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से 14 घंटे के बाद JCB के माध्यम से सुरंग खोदकर बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता, SI अजीत कुमार के नेतृत्व में थाना पुलिस के जवानों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर गुफा में फंसे दो युवकों के शव को निकालने का प्रयास घटना के बाद से ही शुरू कर दिया गया था। बाद में पहाड़ पर दो JCB को लगाकर करीब 20 फीट नीचे सुरंग में खुदाई करने के बाद दोनों युवकों के शव बाहर निकाले गए। गौरतलब हो कि डंडई थाना क्षेत्र के चक्री गाँव के 9 युवकों सोमवार की देर रात शिकार के लिए जंगल गए थे। सभी ने मिलकर एक बड़े गुफा में लकड़ी जमा कर आग लगा दी तथा गुफा के सभी रास्तों को बंद कर दिया ताकि गुफा के अंदर घुसे साहिल की मौत धुएं से हो जाए। आग जलाने के 3-4 घंटे बाद बंद किए गए रास्ते को खोलकर गुफा में देखा तो धुआं भरा हुआ था, जिसके बाद सभी जंगल में ही सो गए और सुबह होते ही सुरंग का रास्ता को खोलकर 6 लोग सुरंग के अंदर बारी बारी से घुसने लगे। सुरंग के रास्ता के करीब 20 फीट नीचे मोड़ से आगे एक एक कर दो युवक आगे निकल गए, तीसरा व्यक्ति नहीं दिख पाया। जैसे ही तीसरा व्यक्ति मोड़ के पास गया उसे दम घुटने लगा और वह बेहोश होकर मूर्छित होकर वहीं गिर गया। ये देख उसके पीछे के तीन युवकों ने उसे किसी तरह गुफा से बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद लोगों ने उसे मृत पाया। यह देख बाहर खड़े अन्य तीनों लोग वहां से भाग खड़े हुए और गांव में इसकी खबर दी। गांव वालों ने इसकी सूचना मिराल थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने पर काफी संख्या में निरीक्षक तथा स्थानीय लोग 1.5 किलोमीटर पहाड़ के कटीले व झाड़ियों बहरे रास्ते से घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना करते रहे। बाद में घटना की जानकारी मिलने पर मिराल के अंचलाधिकारी अंगार नाथ स्वर्णकांत घटनास्थल पर पहुंचकर अपने निर्देशन में देर शाम करीब 8 बजे शाम को गुफा से बाहर निकलवाया। घटना क्या है? घटना यही है कि आदमी गया था शिकार का तलाश, और यही ऑफिस में बैठा है तो बोले वही सब टाइम शिकार का तलाश गया था, गुफा के अंदर गया, वो शिकार का तलाश में गया था अंदर में साहिल का शिकार करने। तुम लोग गुफा में घुसा तो फिर नहीं निकल पाया? नहीं निकल पाया। हाँ, थोड़ा लकड़ी उकड़ी के धुआं थोड़ा लगा कर धुकले था और जानवर के मुआने के तलाश में। हाँ, इसके बाद अंदर घुसा था। कहाँ घर है आपका? ग्राम चकरी। आप लोग कौन हुए? ये गांव घर के रिश्तेदार हैं। ओ, गांव घर का घर ग्राम चकरी। नामांकन प्रारंभ, सीट सीमित है। सोनभद्र आदर्श इंटर कॉलेज कांडी गढ़वा में 11वीं कक्षा सत्र 2021-23 में कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में नामांकन जारी है। देर ना करें, यथाशीघ्र नामांकन कराएं। सीट सीमित है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9934831177। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको नए नए कपड़े दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। नॉर्मल डिलीवरी हो 2786 रुपए दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। सिजेरियन डिलीवरी हो तो फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में 3786 रुपए दिए जाते हैं। हमारा पता है MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, गढ़वा। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा
गिरा नहीं सकते। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर स्टेशन रोड रेहला पलामू विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी जीन्स टी शर्ट लेडीज सूट लहंगा शेरवानी कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लक्ष्मी मार्केट सही जना मोड़ गढ़वा।